अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैश टूल के बारे में। मैश टूल ये इसी जगह पे आता है, पर्सपेक्टिव टूल हमारा इसकी वो है। ये मैं आपको एक्सप्लेन से बीच के आगे जाके समझाऊँ पर्सपेक्टिव टूल के बारे में। चलिए चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। इसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास इमेज मैंने ली, मैंने गूगल से इमेज ली है, ये इमेज हमारे पास है। इसको मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है ना इसको वेक्टर ट्रेस आउट करना है, और इसके जितने भी शेड्स आ रहे हैं वो सब कुछ मैंने देने हैं। तो उसके लिए मैश टूल का इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और इस पर एक और लेयर बना लेता हूँ। पेन टूल अपना पकड़ता हूँ, पेन टूल से पेन टूल मैंने आप लोगों को सिखाया था एक ट्यूटोरियल में। अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पीछे वाले ट्यूटोरियल जो मेरे गुजरे हैं उन पे जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको पेन टूल सिखाया था। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको रोको किया, फिर मैंने ड्रैग किया, फिर मैंने ये किया, ये मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने मैश टूल का इस्तेमाल करना है। मैश टूल का इस्तेमाल कैसे करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल सी टी एल, जो कंट्रोल का बटन आ रहा था सबसे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, वो मैं प्रेस करूंगा और साथ में लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि वायर फ्रेम हमारे पास ओपन हो जाएगा और जो कलर्स हैं वो इसके ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप दोबारा कलर्स देखना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और ये कलर आ जाएगा। फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और वायर फ्रेम पे जाऊंगा। ये देखें, आपके पास वायर फ्रेम आ गया, जो मैंने वायर फ्रेम बनाया। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्रिएट मैश की ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास, हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट मैश की ऑप्शन में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके थ्रू करें। आप जितने रोज चाहें बना सकते हैं, जितने कॉलम चाहें आप बना सकते हैं। मैंने 8:8 कर लेता हूँ दोनों के। ओके ओके मैं कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैं कलर्स करना फिल करना शुरू करूँगा। अब क्या करूँगा, ये वाला ड्रैग किया, ये मैंने, ये देखें, अगर मैं आपको गौर से दिखा सकूं, बाकी सब वाइट वाइट है और ये मैंने ब्लैक हो गया है। इसका मतलब कि ये कलर फेल हो गया। इस तरह अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा साथ में नेविगेटर ओपन कर लें। नेविगेटर आप ओपन कैसे करेंगे, विंडोज़ पे जाएंगे और नेविगेटर पे क्लिक कर देंगे। नेविगेटर मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये हमें दिखा रहा है कि ये चीज़ बन गई है इस कलर से। ओके, लेयर्स टूल को हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। कंट्रोल मैं प्रेस करूंगा और इसको सिलेक्शन कर लूंगा, और ये कलर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्रेस किया फिर दोबारा, ये कलर सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्रेस किया, ये कलर सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल प्रेस किया, ये कलर सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल प्रेस किया, ये कलर सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल प्रेस किया, ये एरो का आइकन आ गया। फिर आई प्रेस करके, जरूरी नहीं खुद बहुत आई ड्रॉपर आ जाएगा। फिर कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल 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 प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया फिर इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन की, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन किया और
ये चीज हो गया। अब हम इस शेप की तरफ आते हैं, ये कंट्रोल प्रेस किया, ये शेप मैंने सिलेक्ट कर ली और इस पे मैं आई दबा दिया, कंट्रोल प्रेस किया और आई दबा दिया, कंट्रोल प्रेस किया आई दबा दिया, आई खुद ब खुद आ गया। हाइड्रोपर टूल कंट्रोल प्रेस किया, हाइड्रोपर टूल खुद ब खुद आ गया। कंट्रोल प्रेस किया ये आ गया, कंट्रोल प्रेस किया ये आ गया, कंट्रोल प्रेस किया ये आ गया। अभी आप देख रहे हैं कि इधर वाइट है, तो इस शेप का हमें वो बनाना पड़ेगा ताकि जो है ना आराम से हम उस वो शेप भी ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, मैं मैच टूल पे क्लिक करूंगा और इधर एक सेगमेंट बना लूंगा। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट किया, इस जगह पे कर दिया, इस जगह पे कर दिया, ये सिलेक्शन कर दिया, शिफ्ट प्रेस किया, कंट्रोल सी, डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट किया, इसकी मूवमेंट कर ली। ओके, ये मूवमेंट आ गई हमारे पास, ये चीज मैंने कर ली। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले का भी मैं सेम टू सेम उस तरह कर लूँ जिस तरह मैंने उसको किया था। फिर मैं मैच टूल पे क्लिक करूँगा, इस पे एक और लाइन लगा लूंगा, इस पे एक और मैच लगा लूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, इस पे एक और मैच लगा लूंगा। ये मैच आ गई हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ के मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, इधर से मैंने इधर कर दिया, इधर से इधर, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया। ओके, इधर से इधर कर दिया, इधर आके हमारा एंड हो जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है। चले अब जब हम चलते हैं अपने इस एरिया की तरफ, इस एरिया को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर से आई प्रेस करके शॉर्ट कर ले लिया, कंट्रोल प्रेस किया, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, फिर आई प्रेस किया, फिर ये आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करके सिलेक्ट किया, ये आ गया क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वाइट कलर, वाइट कलर, वाइट कलर, लिटिल बिट ऑरेंज कलर, क्लिक किया रखा, क्लिक किया कंट्रोल मैंने प्रेस किया, फिर ये आया, फिर आई कंट्रोल खुद ब खुद आई ड्रॉप पर आता जा रहा है, कंट्रोल 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 से इसके कंट्रोल से आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया बन के। उसके बाद फिर कंट्रोल प्रेस किया, ये आ गया कंट्रोल, कंट्रोल ये, कंट्रोल ये, कंट्रोल ये, कंट्रोल ये, कंट्रोल प्रेस किया, ये आ गया कंट्रोल, ये आ गया। ये देखे साथ साथ इस जगह पे बनी जा रहा है, बनी जा रहा है। दूसरों पर ध्यान रखना है कि आपने कि कितना आपने एरिया कवर कर लिया, या कोई डॉट आपसे छूट तो नहीं गया जिस पे आपने डिटेल से नहीं हो। ओके, ये एरिया मेरा कवर हो गया। अभी इस एरिया की तरफ आते हैं, कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल ये, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये है कि एक एक शेड इसमें आ जाएगा, जब चीज़ बन के सामने आएगी
तो फिर आप कहोगे बाकी यार डिटेलिंग के लिए हमें इससे बेस्ट टूल हम लोगों को कोई नहीं मिल सकता कलर डिटेलिंग के लिए। साथ साथ इधर भी देखी जाए जो चीज हमारे पास मिस हो रही है वो आपको पता लग जाएगा, वो आप देख के फिर उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखें इतनी डिटेल जबरदस्त सी हमारे सामने आ गई है जिससे इधर से पता लग रहा है वाइट है। ओके ठीक है साथ साथ आपको पता लगता रहता है कि आपका कितना एरिया रह गया, तो फिर उस हिसाब से आप करते हो। ये बेस्ट चीज है इस टूल में, साथ साथ पता लगता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा जी ये एरिया एक आ रहा है, इसी और अगर मैं डिटेल देना चाहूँ तो वो भी हो सकती है। चलो दे देते हैं शिफ्ट प्रेस करके आप ज्यादा चीजें भी सिलेक्शन कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस किया करे रखा और सिलेक्शन ये मैंने कर ली। सेम कलर देना चाहता हूँ, हाँ सेम कलर देना चाहता हूँ, ये वाला सेम कलर हो गया। कंट्रोल ये चीज ग्रीन में आ जाएगी, उसके पत्ते में आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि लीफ का वो जो आउटलेट है वो भी आ जाएगा सामने, लेकिन साथ साथ करने की जरूरत होती है। ये देखिए आपको ये वाला एरिया सिर्फ रह गया जो रहती है थोड़ी डिटेल।
फाइल्स ये भी दे देते हैं, कंट्रोल प्रेस कर दिया, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक बेस्ट हो गया है। ये एरिया थोड़ा सा रह गया मेरा, इसको अगर मैं कैप्चर करना चाहूँ तो कंट्रोल प्रेस किया, इस एरिया को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ना, मजेदार वाली चीज। कंट्रोल और फिर आई पे क्लिक कर दिया मैंने, ये हमारे सामने आ गया, इतना जबरदस्त बना है माशाल्लाह। ये देखें कितनी डिटेल्स और फुल डिटेल्स इसने बना के हमारे सामने रख दी है। ओके हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ। ये है लीफ का पार्ट है, फिर हम एक पेन टूल ले लेंगे, एक और लेयर ले लेता हूँ, बना लिया। तो इस पे फिर कंट्रोल प्रेस करके ये क्लिक करूंगा, नेक्स्ट टूल पे जाऊंगा, इधर मैंने क्लिक कर दिया एक, इधर मैंने क्लिक कर दिया दो, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, अपनी मर्जी से मैंने लगा लिया कोई भी, इतना डिपेंड नहीं करता, हमने मेन चीज तो बना ली है। अच्छा जी, ये इस पर क्लिक किया, ये कर दिया, इस तरह सिलेक्शन की, साइड वाला कलर कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये किया सिलेक्ट इसको, फिर इसको ये कलर कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, ये भी सिलेक्ट कर लिया साथ ही, ताकि काम, ये देखिए ये साथ से दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और इस तरह ट्रैक करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ड्रैग करके सिलेक्शन की, मैंने ड्रैग करके फिर आई प्रेस करके ये आ गया। अच्छा जी, ये अब साइड्स वालों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके करे रखा, और ये साइड्स वालों को ये वाला कलर दे दिया, नहीं ये वाला कलर देना है, थोड़ा डार्क शेड है साइड पे। बाकी सबको क्या करना है जी, आपने सिलेक्शन अलग सिलेक्शन टूल करना है, ये शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये हटा दिया। ये देखें जी, फिर मैंने ये नीचे वाले दो पकड़ लिए और इसको भी कर दिया। ये अच्छी, ये हमारे पास तैयार हमारा विद डिटेल्स। ओके, कंट्रोल प्रेस करके इस पे भी कलर कर दिया। ये देखें जी, ये चीज हमारे पास तैयार है। ये हमारे पास डिटेल में ये चीज तैयार है जो हम तैयार करना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट टूल चीज जो मैंने आपके सामने रखी है
वो मैंने रखी है, वो मैं शो करवा दूँ आपको कि मैंने एक आलू को बनाना है। दो एग्जांपल्स दे दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों को करने की। मैं आपको आलू में सिर्फ जो है ना इसकी डिटेलिंग कलर्स करके दिखा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आज अगर पीछे वाले जो चीज़ मैंने बनाई है उसमें कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं आपको लगी तो इसमें थोड़ा बहुत आप जो है ना ज़्यादा सीख सकें। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। फिर मैंने एक न्यू ले ली, पेन टूल की मदद से इसको ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी इसकी। मोटा मोटा मैंने ट्रेस कर दिया है, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक। नेक्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, क्रिएट मास्क, ग्रेडिएंट मास्क। ओके, नेक्स्ट इसको मैंने जो है कंट्रोल प्रेस कर दिया। ओके, छोड़ा कंट्रोल, ये मैंने इसको सिलेक्शन कर ली, इस तरह ड्रैग करके साइड कलर दे दिया। ये देखें, ये साथ साथ बता रहा है आपको। कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट करके ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी कर लिया, इसको साइड कलर दे दिया। ओवरऑल ड्रैग करके सिलेक्शन करके ये कर लिया, ड्रैग सिलेक्शन करके ये कर लिया, ड्रैग सिलेक्शन करके ये कलर कर लिया, ड्रैग सिलेक्शन करके ये कलर पर्पल कलर की हो रहा है, ये कलर कर लिया, ड्रैग सिलेक्शन करके ये कलर कर दिया। पहले साइड्स को मैं देखता हूँ, साइड्स को गंदा कर ले तो फिर अंदर वाला खुद बहुत बंदे के ऐसे अंदर आया था यार, इसको कैसे मैंने लेके चलना है। जस्ट ड्रैग किया, सिलेक्शन कर लिया, ड्रैग किया, सिलेक्शन कर लिया, ड्रैग किया, कलर सेलेक्ट खुद बहुत ड्रैग किया, ये कलर सेलेक्ट ड्रैग किया, ये कलर सेलेक्ट। ओके, ये देखिए साइड्स हमारी ओवरऑल क्लियर हो गई है। अब हम इस पे ड्रैग करके ऐसा करते हैं, सेंट्रलाइज कलर दे देते हैं, जो कलर हमें नजर आ रहा है। मैं ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा, ये एरिया रहता है। मीन्स कि आप इस तरह डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा डिटेल में करनी है तो जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया उस तरह डिटेल में ज़्यादा आप कलर्स आप मर्जी से चूज कर सकते हैं, अलग से ऐड भी कर सकते हैं चीज़ें, आप अपने पॉइंट ज़्यादा भी कर सकते हैं टूल से। ये एरिया रहता है, ये
एरिया पे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया रियोलॉजी। अभी इस साइड रह गई थोड़ी सी, इस साइड को थोड़ा सा करके कर लेते हैं रियोलॉजी, हो गया। नेक्स्ट ये वाला एरिया रह गया ओवरऑल सिलेक्शन की, ये कलर कर दिया ओवरऑल सिलेक्शन की, आई प्रेस करके ये कलर कर दिया ओवरऑल सिलेक्शन की, आई प्रेस करके ये कलर कर दिया ओवरऑल सिलेक्शन की, आई प्रेस करके ये कलर कर दिया। ये एरिया रह गया हमारा, ड्रैग किया ये सिलेक्ट कर दिया कलर, ड्रैग किया ये सिलेक्ट कर दिया कलर, ओके। ये देखें एक आम आलू की शेप बन गई है, बस आपने इसमें डिटेल्स ऐड करनी है। ये देखें सेम टू सेम उस तरह का हमारे पास चीज आ गई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाद यूनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।